तो है गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया। सुबह के बजे है, कितने बजे, 5 बज रहे हैं और अभी सब दोनों उठ गए ये। और अभी अंकल मुझे छोड़ के आएंगे यहाँ पे स्टेशन के लिए। तो चलो बाय बाय। ओके बाय बाय। यस थैंक यू थैंक यू। बाय बाय। चलो चलते हैं गाइस। अभी बहुत टफ रहने वाला है आज का दिन, पर देखते कैसा होता है। अंकल को, अंकल ने भी छोड़ दिया मुझे भाई वापस, वो भी चले गए। ट्रेन तो फास्ट मिली है मुझे, 6 बजे ही पहुँचा देगी डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो सेंट्रल को जाएगी। सेंट्रल से चेंज करना पड़ेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाने के लिए, तो 10 मिनट की दूरी बस, यहाँ से 1 घंटा लगेगा। देखते हैं टफ होने वाला, भागना पड़ने वाला है, तो देखते भागना होता है कि नहीं, अभी कैसा होता है अभी सब जर्नी। तो गाइस अभी एयरपोर्ट पे आ गया हूँ मैं, और चलते हैं अभी फास्ट फास्ट थोड़ा सा। और एक बार अपना बोर्डिंग शुरू हो गया ना, मतलब बैग्स वगैरह दे दिए ना अपन ने, सिक्योरिटी चेकिंग करा लिया ना, उसके बाद आप आराम से, मतलब कि क्या थोड़ा टेंशन रहेगा मुझे कि होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। पहले ही दो बैग है मेरे पास, देखते क्या होता है अभी, क्योंकि मुझे अभी मेरी फ़्लाइट भी नहीं दिखी। मैं ढूंढ रहा था 8:30 मेलबर्न की दिखी, पर फ्लाइट नंबर मैच नहीं हुआ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो जल्दी जल्दी जाते हैं और देखते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपको एक बार, अगर फ्लाइट बोर्ड हो तो देखता हूँ। फ्लाइट मुझे वापस अगर लगेज कलेक्ट करना रहा तो देखना पड़ेगा, अगर लगेज करने की बारी नहीं आई मेरी तो वापस मेलबर्न को, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, मेरा अभी सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, ऐसे बहुत सिंपल सिक्योरिटी चेक इन है, कोई आपको टच वगैरह नहीं करता। भाई मालूम है क्या विषय हो गया अभी, अभी मैं जा रहा हूँ मेलबर्न की तरफ, मतलब गेट फिफ्टीन की तरफ, मैंने बैगेज ड्रॉप कर दिए। और क्या हुआ मालूम है क्या, मैंने मेरा बोर्डिंग पास ही नहीं लिया, जो मेरे पास था वही दिखाते मैं अभी आ गया, और अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ और मेरे पास बोर्डिंग पास ही नहीं है। मतलब है पर उसका उस पर ना गेट लिखा है ना मेरी सीट लिखी है। तो अभी मैंने एक कॉन्टैक्ट किया है मैम को, पूछा जो कस्टमर सर्विस वाले थे, वो बोली गेट 15 के पास जाओ, देखो गेट 15 इधर है, गेट 15 के पास जाओ, पासपोर्ट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, वो आपको आपका बोर्डिंग पास दे देंगे। तो अभी देखते उधर जाते, देखते देते कि नहीं, देने की तो चाहिए क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर प्रॉब्लम कब आएगा मालूम है क्या, अगर मेरा बैगेज कुछ भी मिसप्लेस वगैरह होता है ना, तो मुझे वो इंडिया देंगे नहीं, मतलब कुछ भी अगर उनसे भी गलती होती है तो मेरे पे ब्लेम डाल देंगे, क्योंकि आपका आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने आपकी बोर्डिंग पास का आया, हमारी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा कुछ भी बोल के टाल दे सकते हैं, और मुझे होना ही चाहिए, इसलिए देखते हैं गेट 15 के बाद जल्दी से भागते हैं अभी। देखो आ गया गेट 15। तो भाइयों वो बोले कि आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में तो है बोर्डिंग पास, पर उस पर गेट वगैरह लिखा नहीं है, सीट लिखी है पर गेट वगैरह तो लिखा नहीं है। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्क्रीन में देखते रहो, आपका गेट अपडेट हो जाएगा जो भी है, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो मैम बोली यार कि आपको प्रिंट करके दे देंगे, पर ये क्यों नहीं प्रिंट करके दे रहे पता नहीं। अभी अंकल का शायद से फ़ोन आएगा थोड़ी देर में, या फिर मैं करूँगा, पर बताऊँगा नहीं उनको, क्योंकि वो बोलेंगे क्या है ऐसा वैसा, ऐसे कैसे किया तूने, जान दो, बताते नहीं, डायरेक्ट जाते हैं। बस देखते हैं, बैगेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है, चलता है, मैं तो चला जाऊँगा, बैगेज आ जाना चाहिए, बस बैगेज में बहुत सारा सामान वगैरह है मेरा। चलो देखते हैं, अभी टाइम है मेरे पास, जाते हैं अभी इधर किधर, बैठते थोड़ी देर यहाँ पे। देखो ये मेरा गेट है 15 नंबर का, उस पर कस्टमर सर्विस था, अभी तो 7:45 बजे है, 7:45, और मेरी 8:30 की फ्लाइट है, मतलब अभी और 1.25 घंटा है, 1 घंटा 15 मिनट बाकी है, देखते कुछ टाइम पास करते तब तक। ये देखो सारे कॉन्टैक्ट्स के सारे, ये पूरा मतलब आप बोलो तो आधा एयरपोर्ट ही कॉन्टैक्ट्स का, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि सब जगह कॉन्टैक्ट्स ही कॉन्टैक्ट्स है। वो बैगेज और यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे कैसे, आपने इंडिया जैसा नहीं है कि कोई खड़ा रहेगा वहाँ पे आपके बैगेज ड्रॉप के लिए वगैरह, कुछ भी नहीं, सीधा अंदर आओ, बैगेज उठाओ, वेट करो, मतलब पहले तो आपका बोर्डिंग पास दिखाओ, उसको आपके दो वो सेरोटेप मिलेगी जो आपको बैग को लगाते हैं कि कहाँ कहाँ जा रही है बैग, तो वैसे लगा देते हैं वो, अपने को ही लगाना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है बैगेज ड्रॉप के पास, बैगेज ड्रॉप पे रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, बोर्डिंग पास स्कैन करो, पासपोर्ट स्कैन करो, वो चला जाता है लगेज अंदर, फिर आपको दूसरे साइड से अंदर आना है,
सामान उतार रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई आदमी नहीं देगा कि आपको ऐसे ऐसे हाथ लगा के देखेगा कि क्या हो रहा है, इसका क्या है। बस एक बार वो मशीन में से जाना है, सब स्कैन कर लेती है वो मशीन, अगर ग्रीन आए तो आगे चले जाओगे, कोई टच नहीं कुछ नहीं, सब एकदम हैसल फ्री, एकदम कुछ भी नहीं है, जल्दी हो गया मेरा एकदम। अभी वो आगे वाले स्टेशन बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट पे भी ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगी, देखते अब कैसा होता है, देखते अब मेरी फ्लाइट का गेट। तो गाइस अभी देखो ये सिडनी का एयरपोर्ट का वॉशरूम है, यहाँ पे देखो ये ऐसा किया तो सोप गिरता है, ऐसा किया तो पानी आता है, और ऐसा किया तो एंड रहा था, ये भी डायरेक्शन में जा रहा है। चलो चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट पे। भाई ये देखो मेरा गेट चेंज हो गया है, अभी मेरा गेट 15 नंबर का था यहाँ पे इस पिलर के वो साइड में, और अभी चेंज हो के देखो ये 13 पे आ गया हूँ मैं। अभी 13 से चेंज ना हो तो बढ़िया है। हाँ इस पर कुछ तो डिस्प्ले भी करा दिए इन्होंने, जाकर पढ़ता हूँ शायद से ये भी फाइनल लूँगा। देखो भाई पूरे कॉन्टास ही भरे, देखो अभी टेक ऑफ भी कॉन्टास कर रहा है, लैंड भी कॉन्टास कर रहा है, सब कॉन्टास ही कॉन्टास है। अब देखो इसमें मेलबर्न डिपार्चर है ना, अराइवल कैसे है? ये देखो भाई मुझे बोर्डिंग पास मिल गए, यहाँ पे एक मैडम बैठी थी अच्छी सी, उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला मुझे फ़्लाइट टिकट का मतलब वो मेरी सीट अच्छी नहीं मिली थी ना, तो मैंने उनको बोला कि मेरी फ़्लाइट की सीट बदलनी है, तो बोली ठीक है बदल देती हूँ अच्छी फ्लाइट। उनको ने मुझे अच्छी सी सीट भी दे दी अभी, और बोर्डिंग पास भी प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि उधर के दे रहे नहीं थे मुझे, क्या मालूम क्या दुश्मनी है, पर अभी दे दिया है अच्छे से। और यही मेरा गेट रहेगा, ये होगा 13 नंबर का, बोर्डिंग पास पर भी लिखा है, किधर है बोर्डिंग पास, ये नहीं है, ये भी नहीं, हाँ देखिए ये गेट नंबर 13। अभी देखो बोर्डिंग शुरू हो जाएंगे, अभी एक 20 मिनट में शुरू हो जाएंगे बोर्डिंग, फिर बैठते हैं और निकलते हैं मेलबर्न के लिए, देखते हैं मेलबर्न का एयरपोर्ट कैसा है। ज़्यादा टाइम तो नहीं है वापस मेरे पास, एक घंटा 55 मिनट लगभग, मोटा मोटा 2 घंटे, देखते क्या होता है, भागना तो पड़ेगा पर मज़ा आएगी। एयरपोर्ट भी देखते कैसा भारी रहता है, इससे भारी है उससे भारी, ये भी अच्छा एयरपोर्ट है, एकदम बढ़िया है सब। चलो देखते हैं, अभी थोड़ी देर रुकते हैं और निकलते हैं। भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वापस जाते हुए, आयुष को छोड़ के अंकल को छोड़ के, भी पता नहीं कितने साल मुलाकात नहीं होगी उनकी और मेरी, बुरा लग रहा है, पर अभी क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा एक दिन, मन नहीं कर रहा था आयुष को छोड़ने का, आयुष को अंकल को वगैरह सब। चलो चलते, तो वैसे कुछ तो फ्लाइट है अपनी छोटी, मतलब ये अच्छी एकदम अच्छी फ्लाइट है, थोड़ा छोटा सा स्क्रीन भी दिया है सबके लिए, और अभी तो कोई आया नहीं सीट पे, देखते कोई ना कोई तो आएगा जो, निकलते जल्दी, इस पर कुछ देखेंगे तो नहीं, क्योंकि छोटी सी फ्लाइट है। तो भाइयों मैं अभी उतर गया हूँ, मेरी पहली फ्लाइट लैंड हो चुकी है, और अभी एग्जिट करता हूँ, तुरंत टर्मिनल चेंज करना है, या तो कुछ भी ये नहीं, आपको वॉकिंग ही जाना पड़ेगा, और एग्जिट कहाँ से, हाँ यहाँ से एग्जिट है, आपको वॉकिंग जाना पड़ेगा आपको मतलब। तो भाइयों रास्ता मिल चुका है, थोड़ा बाहर आ गया हूँ मैं, देखो मेलबर्न ऐसे है कुछ, अब यहाँ से सीधा बोल रहा है कि ये टर्मिनल 2 के लिए राइट जाना पड़ेगा, देखते हैं राइट चलने का, तो लंबा बता रहा है, देखते हैं जल्दी जल्दी, और ठंड बहुत है, ठंड है अच्छी खासी, बहुत जोर जोर से ठंड चल रही है, हवा बहुत जोर जोर से आ रही है, अच्छी खासी हवा जोर से आ रही है, तो जल्दी जल्दी भागते हैं। तो भाइयों गूगल मैप पे कई बार आपको फंसा देगा, क्योंकि देखो 15 मिनट बता रहा है और मुझे सामने टर्मिनल 2 दिख रहा है, तो कभी कभी आपको ये फंसा भी सकता है थोड़ा सा, अगर आप भी कभी मेलबर्न वाले एयरपोर्ट पर आ रहे हो तो पूछते पूछते जाओ, जो भी आपको कैबिन क्रू वगैरह दिखे एयर जिससे, उनको उनको पूछते जाओ, उनको सब पता रहता है, उनको पूछो, गूगल मैप के भरोसे मत रहो ज़्यादा देर। सो भाइयों अभी आ गए हैं अपने इस पे, ये देखो गेट नंबर 4, ये अपना गेट है, और बहुत चलने चलने के बाद सब करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं, और इमिग्रेशन बहुत ही सही था, मतलब कुछ भी नहीं था, बस पासपोर्ट स्कैन किया
फेस स्कैन किया और भेज दिया अंदर। सिक्योरिटी चेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू सिडनी वाला एयरपोर्ट में, पर ठीक है, अभी थोड़ा रश ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा और बस पहुँच गए अभी यहाँ पे। और मैं आपको कभी एक बात बता देता हूँ कि आप कभी भी अगर आओगे ना मेलबर्न एयरपोर्ट, आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड बोले तो नहीं है, पर आप गूगल मैप्स पे भी जाओगे थोड़ा थोड़ा जाने का गूगल मैप्स के द्वारा, पर जो भी स्टाफ है उनको पूछ पूछ के जाओ, वो बहुत बराबर बताएंगे, एग्जैक्ट बताएंगे। मुझे लगा था बहुत टाइम लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे, 5 मिनट टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 आने में। हाँ, और आपके बैग्स का जो भी रहेगा, मेरे बैग्स का मुझे अभी भी कन्फर्म नहीं किया इधर है, मतलब आएंगे बैग्स पर पहले ही पूछ किया करो, बोर्डिंग पास मिला तो फिर निकल लेना कि आपके बराबर आ जाएगी बैग्स करके। सर अभी दूसरी तरफ गेट है, अपना गेट इधर है, इधर जाते और बैठते हैं थोड़ी देर घूमते घूमते, या फिर देखते कुछ स्टारबक्स वगैरह लेते मगर मिला तो, और अभी बस इंतज़ार करना है, 15-20 मिनट में गेट खुल जाएगा, फिर अपने अंदर से जाके बैठ जाएंगे एकदम सीट पे। और पिछली सीट तो बहुत ही ख़राब थी गाइस, रिक्लाइन ही नहीं हो रही थी, पूरी गर्दन दुख गई मेरी, तो जान दो अभी वाली सीट पे एकदम आराम से करेंगे, एकदम आराम से आराम करेंगे। और चलो देखते थोड़ा घूमते देखते घूमते और फिर बैठ जाते फ्लाइट में। और गाइस बात बात में एक बात बताने रही गई कि आज गुड़ी पड़वा भी है, और आपके पूरी फैमिली को मेरी तरफ से गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मम्मी उधर मतलब ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं कल रहता यहाँ पे, अभी ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ, पर अगर घर पे रहता तो गुड़ी उभार रहे थे, तो उनके साथ में मतलब करता एंजॉय करता, पर क्या करें अभी एग्ज़ाम्स आगे जाना पड़ेगा, पर देखते हैं अभी इंडिया में कैसा रहता है। तो चलो चलते, गेट भी खुल गया है, अभी निकलते फास्ट में। तो गाइस जिस चीज़ का डर था वो चीज़ हो गई, फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई मेरी, अभी बैठा हूँ यहाँ पे, यहाँ से एक पानी की बोतल निकाली है, $5 की पानी की बोतल, 250 रुपये की इतनी सी बोतल। तो अभी 1 घंटा बैठते और जाते, फिर अब क्या कर सकते हैं 1 घंटा। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, सिंगापुर के एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे का ही ले ओवर था, अभी वो सीधा आधा घंटा हो गया, तो बहुत बहुत फास्ट भागना पड़ेगा, यहाँ से उतरने का सीधा उधर भागना पड़ेगा, सीधा सिक्योरिटी चेकिंग करने का, फिर से फ्लाइट में बैठ जाने का। तो चलो देखते हैं भाई, करते सब। तो भाई और 1 घंटा डिले हुई थी हमारी फ्लाइट, अभी सीधा फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है, अभी तो देखना पड़ेगा कैसा करना है कि नहीं। अभी तो मेरी सिंगापुर की फ़्लाइट भी चली जाएंगी, अभी दूसरी करके देंगे क्योंकि वो तो नहीं जमेंगी लेने को, तो अभी देख रहे हैं, उनको टाइम दिया है आधा घंटा का, अभी आधे घंटे में सबकी फ़्लाइट कराएंगे अच्छे से। वो मेरी तो मुंबई से औरंगाबाद की भी फ़्लाइट है शायद से, मुझे लगता है कि टाइम अभी बहुत आगे पीछे करेंगे, ले ओवर वाली फ़्लाइट करेंगे, शायद वो भी ना चली जाए, वो भी करूँगा मैं इनसे, वो भी भर के लूँगा, करा के तो लेनी पड़ेगी ना गाइस, अभी इतना इन्होंने डिले वगैरह कर दिया फ्लाइट्स में हमारे, क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे कैसे कंपनसेशन देते हैं, कैसा फ्लाइट अच्छी देते हैं कौन सी देते हैं, तो अभी 10-15 मिनट में पूछते हैं फिर जैसे अपडेट क्या है, तो देखते हैं अभी। तो भाइयों देखो कर दिया, मतलब अभी थोड़ी भीड़ कम हो गई है और यहाँ पे अभी हमको सिर्फ फ्लाइट से जाने का मौका मिला है, अभी मैं जा रहा हूँ कोलंबो, मतलब श्रीलंका से जाने का मौका मिल रहा है, अभी सिंगापुर जा रहा था, अभी कोलंबो जाऊँगा, कोलंबो से फिर मुंबई जाऊँगा, रात को 2 बज जाएंगे, फिर सुबह 5 बजे की फिर से फ्लाइट है मेरी, अभी वो चेक करते हैं और निकलते हैं। अभी मुझे यहाँ से अभी 1 घंटे बाद मेरी बोर्डिंग चलूँगी यहाँ से, देखो ये फ़्लाइट है अपनी, बहुत परेशान किया भाई उन्होंने, बहुत परेशान किया, और जहाँ तो दे दिया फ्लाइट लास्ट में, और अभी नहीं थोड़ा खाते पीते उन्होंने, थोड़ा सा खाते पीते यहाँ पे कुछ तो देखते खाने के लिए, और चलते रुकते अभी, फिर मिलते हैं आप बोर्डिंग करने का, मिलता होगा सबको, में थोड़ी देर बैठता कुछ खाता है। तो भाई बड़ी मशक्कत के साथ हमको हमारे 3:30-4 बजे की फ़्लाइट मिल गई कोलंबो की। अभी एक एक्साइटमेंट बात ये है कि मैं कोलंबो जा रहा हूँ, कभी कोलंबो अभी गया नहीं, सिंगापुर जाने वाला था पर अभी सिंगापुर नहीं जा रही, कोलंबो जा रही, देखो ये वाली फ्लाइट से, तो अभी देखते हैं बोर्ड चेकिंग बोर्डिंग करते हैं और देखते कैसी फ़्लाइट है, पहली बार देख रहे हैं श्रीलंका एयरवेज, देखते कैसी रहती है फ़्लाइट। तो गाइस बोर्डिंग शुरू हो गई है, और देखो ये वाला प्लेन है हमारा श्रीलंका एयरवेज, बहुत बड़ा है, तो ये भाई हमारा चलो। सो गाइस अभी श्रीलंका एयरवेज में बोर्ड कर दिया है, ये हमारी सीट है, शायद से हम लकी हो गए कि हमें बाजू में कोई भी नहीं मिला, तो अभी चलते हैं, 10 घंटे की फ्लाइट होने वाली है, तो वहाँ से 6 घंटे की होंगे, देखते हैं क्या क्या होता है फ्लाइट में, चलो चलते। अच्छी सी फ्लाइट है पर हेडफोन्स वगैरह नहीं दिए इन्होंने, क्या पता क्यों नहीं दिए, ये क्यों दिया पता नहीं, फिर हेडफोन्स नहीं दिए तो
देखते हैं अभी क्या क्या होता है फ्लाइट में। और तो भाई मैं कंप्लेन कर रहा था इसकी कि ये देते नहीं है हेडफोन्स, पर अभी इन्होंने कैबिन क्रू ने लाके दे दिए। तो चलो अभी पिक्चर देखते हैं मस्त। और फ्लाइट एकदम शुरू हो गई है, आधा घंटा हो गया है। चलो देखते हैं मूवीज अभी अच्छे अच्छे। सुबह से अभी खाना आ चुका है हमारा, खाना खाते हैं बढ़िया से, मूवी देखते हैं। द मैग मूवी लगाई है, और जब बाद में मैं कोई सीट नहीं रहती ना गाइस, मतलब खाली सीट रहती है ना, तो सीट का मज़ा ही आ जाता है एकदम खतरनाक में। तो एंजॉय करते फूल, और अभी हो गया अच्छा खासा टाइम, देखते कहाँ तक पहुँचा लेकिन सुबह था तो आपको एनिमेशन एकदम। तो गाइस अभी खाना आ चुका है हमारा, द मैग मूवी लगा दी है, इसके साथ अभी एंजॉय करते हैं और खाना खाते हैं अच्छे से। अरे भाई खाने में देखो कौन से चम्मच दिए, इतने ऊपर कभी आपको ये चम्मच मिलेगी भी नहीं, और चम्मच भी गर्म है गाइस, सब गर्म है, मतलब एकदम वो जम्स प्रूफ है, एकदम गर्म गर्म आए, और स्टील के चम्मच आए, तो सब जगह प्लास्टिक के मिलते, ये जगह ये एक बात अब अच्छी लगी मुझे एयरलाइन की, बढ़िया थी। सुबह से रात के अभी 9 बज गए एकदम, और अभी मुझे 6 घंटे हो गए ये फ्लाइट में। और देखो कुछ ऐसा मैंने बिस्तर बना लिया है, 2-3 कुर्ते तो कोई नहीं है, ये भैया सर बैठा है, और मैंने अच्छे से ये 2 सीटें ले ली, सीट ले ली है, फिर सोते थोड़ी देर के लिए, अभी अच्छा खासा सोया मैं थोड़ा 1 घंटे के लिए, पर इतनी अच्छी नींद नहीं मिली, अभी फिर से सोते हैं, अभी और थोड़ा टाइम है अपने पास, अच्छा 3-4 घंटे का टाइम है, सोते हैं और जब भी उठता हूँ तभी मिलता होगा आपको मैं। सो भाई अभी थोड़ा ही डिस्टेंस बाकी है, देखो आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है खाली, कितनी 2-3 घंटे लगेंगे अभी, और 2-3 घंटे बाद हो जाएगा। ये मेरी सबसे बड़ी फ्लाइट थी, 10 घंटे की फ्लाइट, 10-10.5 घंटे की फ्लाइट, अभी 6 घंटे हो गए, 6-6.5 घंटे, 3-3.5 घंटे में अभी निकल जाएंगे। लॉन्गेस्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ, पहले यहाँ से कभी भी सिडनी से यहाँ पे सिंगापुर मलेशिया यहाँ पे तक रहती है, यहाँ से डायरेक्ट इंडिया के नीचे कोलंबो तक पहली फ्लाइट है गाइस मेरी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गाइस सोने का वगैरह, पर हो जाता है मैनेज, इतना भी नहीं होता है पर ठीक है, लगभग आप निकाल सकते हो अगर कुछ हुआ तो। पर आपका आपका सीट खाली होना चाहिए और कोई होना नहीं चाहिए आपके बाजू में, फिर तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, पर आपके बाजू में कोई होगा तो फिर आप नहीं निकाल सकते, फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी आपको। चलो और थोड़ा सोते हैं, अभी क्या करें बैठ के, अभी बहुत नींद आ रही है। और भाई अपना थोड़ा सा ले ओवर है कोलंबिया कोलंबो को, 1 घंटे का ले ओवर बता रहे हैं, अभी देखते हैं कुछ भी बराबर पता नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में फ्लाइट है, वहाँ से रात में 2 बजे मुंबई पहुँचूंगा, मुझे तुरंत भागना पड़ेगा क्योंकि मेरी फिर से औरंगाबाद के लिए 5 बजे की फ्लाइट है, टर्मिनल चेंज करना है, टर्मिनल इंटर कनेक्ट भी नहीं है, दूर है टर्मिनल, मुझे 2-2:30 बजे बाहर निकलो बैग लेके 3 बजे तक, फिर से 3:30 बजे लगे टैक्सी पकड़ो दूर चले तरफ जाओ, बहुत टफ रहने वाला है। पर अभी कर लेंगे फिर, इसके बाद कुछ टेंशन नहीं है, एक बार फ्लाइट बोर्ड कर ली तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है अभी और सब कैसा कैसा होता है। सो गाइस अभी 1:45 बज गए, और अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है, और अभी 2 घंटे बाकी है और हमारे लैंडिंग में, तो अभी चलो चलो जल्दी जल्दी करते हैं ब्रेकफास्ट, और लैंडिंग भी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, और फिर करते हैं दूसरी फ्लाइट बोर्ड। तो गाइस हमारी अभी श्रीलंका से बोर्डिंग चालू हो गई है, अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग की तरफ, तो अभी निकलते हैं रात के, अभी इंडिया के बजे 12 और यहाँ पे इंडिया का सेम टाइम है, तो मैं और मेरे 2 दोस्त निकल चुके हैं। देखो ये हमारा एयरप्लेन है, वो मेरे ऑस्ट्रेलिया से दोस्त हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्त बने थे साथ में, हो चलो अभी चलते हैं, चलो देखते कैसा एयरप्लेन रहता है, तो बाजू में एमिरेट्स भी है भाई, चलो चलते जल्दी मेरे घर पे भी जाने का अभी, इसके बाद अभी एयरपोर्ट उतरूँगा 2:30 बजे, फिर से 5 बजे तो ये फ्लाइट है मेरी।
5 बजे औरंगाबाद फ्लाइट है, तो देखते हैं कैसा होता है। बहुत जल्दी बोर्ड करके जल्दी उतरना पड़ेगा, टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, फास्ट फास्ट करते सब। फिर चलो अभी तो बैठते हैं अपनी सीट पे। एकदम प्लेंटी ऑफ रूम स्पेस मिला, एकदम अच्छी वाली सीट मिली मुझे। और देखते हैं यहाँ पे कोई आता है कि नहीं, नहीं आया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सीधा प्लेट लैंड हुआ कि ऐसे सीधा भागने का बाहर, एकदम जोर जोर से भागने का। तो अभी चलो चलते हैं, देखते कोई आता है कि नहीं। सो फार सो गुड, एकदम बढ़िया मिला यार, एकदम लेग स्पेस बहुत भारी मिली है मेरे को। अब मज़ा आएगा थोड़ा सा, चलो चलते हैं। गुड न्यूज है, कोई भी नहीं है, अब आराम से बैठोगे, सामान वगैरह फैला दोगे और आराम से बैठोगे एकदम। तो चलो अभी देखते हैं इस पर कुछ, तो भी देखते हैं और निकलते हैं। अच्छी फ्लाइट है यार, श्रीलंकन एयरलाइंस, 10 out of 10। सभी अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, सब अच्छा है। और आधे से ज़्यादा फ्लाइट खाली है, और आज से ज़्यादा फ्लाइट खाली है, जैसे आपने देखा अभी बहुत फ्लाइट, पूरी फ्लाइट ही खाली है लगभग। ठीक है, तो अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और अभी मेरी फ़्लाइट है, बोर्डिंग शुरू हो गया है। मैंने वीडियो इसने व्लॉग इसने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि गाइस मैं इतना फास्ट में गया ना, पूरा पसीना पसीना होता है एकदम। पहले एयरपोर्ट से निकला, पहले तो चल के जाना पड़ा बहुत, फिर रिक्शा कहाँ मिली मुझे, फिर रिक्शा से भागा 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 यहाँ पे आया, यहाँ पे बहुत टाइम लग गया। मेरा सीन हो गया था कि वो बोल रहे थे स्टूडेंट आईडी से मैंने 25 किलो लिया, क्योंकि 15 किलो वाला ऑर्डर, 25 किलो लिया और स्टूडेंट आईडी नहीं, हॉल टिकट दिखा के कैसे तो भी काम चलाया मैंने, हॉल टिकट दिखाया जो दिखाया कैसे तो भी किया। मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को बोला हॉल होगा मेरे पास था आईडी कार्ड तो भेज, उधर भी नहीं मिला। हॉल टिकट पर कैसे तो मैनेज कर लिया, बहुत अच्छी मैडम थी इंडिगो की, तो उन्होंने कर दिया कैसे तो मैनेज मेरा। और अभी बोर्डिंग पास लिया मैंने, देखो सिक्योरिटी चेक इन किया पास से, और अभी बोर्डिंग गेट के सामने मेरा बैग रख के वॉशरूम गया था। अभी देखो निकलता हूँ मैं डायरेक्ट बोर्डिंग गेट के लिए, और अपन ने अपने दोस्तों को बुला लिया है कि लेने के लिए मेरे को, तो फ़ोन तो किया है उनको मैंने कि आ जाओ मेरे को लेने के लिए, दिखते भी आते हैं कि नहीं। ये मेरा बैग, ये सब इधर बैग भर गया था, 20 किलो सॉरी, और अलाउड सॉरी 19 किलो भरा था बैग, और मुझे अलाउड कर रहे थे बस 15 किलो, 4 किलो एक्सेस बोल रहे थे, 4,000 रुपये लो। अल्लाह 4,000 रुपये थोड़ी मैंने आए दिया आपको, बोला ऐसा ऐसा किया है, बोला आईडी कार्ड पे किया है सब, देखते अब क्या होता है। चलो अंदर चलते, उनको बोला था मैंने कि स्टूडेंट आईडी पे किया है मेरे को 25 किलो मिलना चाहिए, पर दे रहे नहीं थे वो, पर अभी दे रहे, दे दिया थे उन्होंने, अच्छे से काम कर दिया। चलो चलते अभी अंदर। तो गाइस अभी मैं बैठ गया हूँ फ्लाइट में, इंटरनेशनल से आने के बाद वाली फ़्लाइट बहुत ही गरीब लगती है, क्योंकि उसमें पूरी स्क्रीन वगैरह रहती है, सब रहता है, सीट बहुत छोटे रहते हैं, ये बहुत पतली सीट है, क्या करें अभी। एक घंटे का ही तो अपने को जाने का है, एक घंटे बाद सीधा हम घर पे जाएंगे। तो चलो अभी डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट पे मिलता होगा सबको, सो जाता हूँ अभी थोड़ी देर और। भाई अभी मैं औरंगाबाद के एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका हूँ, ये देखो ये यहाँ पे एयरपोर्ट है, और यहाँ पे अभी हमारा सामान आएगा, सामान लेते हैं निकलते हैं बाहर और जाते हैं घर पे। और आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ही अच्छा व्लॉग रहा, सब टफ था पर सब हमारा सब अच्छे से हो गया, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज अभी औरंगाबाद एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ, देखो ऐसा कुछ नज़र है यहाँ पे, अंदर वीडियो निकाल रहा था, वीडियो शूट नहीं करने दिया, तो अभी बाहर आ गया हूँ, आपको वो वीडियो भी बताऊँगा कहाँ तक मैंने वीडियो निकाला, और वो बोले कि चले जाओ ऐसे ही, पर वीडियो में तो ना रूल्स नहीं है, कि कहाँ के रूल्स है पता नहीं मुझे, तो जानता अभी अपना आने वाले सब। बैक टू हाउस गाइस, होम स्वीट होम, बहुत दिनों बाद अपने घर को देख के अच्छा लग रहा है। और देखो ऐसा अपना कुछ घर है छोटा सा, और यहाँ से मंदिर भी दिखता है सामने। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस, आपको वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, एडियोस अमिगोस, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।